मेहनती स्टाफ, इसके स्कूल में चार चांद लगाने के लिए मैम राबिया नियाज़ी के साथ उनके उनकी कोशिशों में उनके साथ साथ रहे। इसके साथ ही पुट योर हैंड्स टुगेदर प्लीज क्लैप फॉर मैम राबिया नियाज़ी। तकरीब का हम आगाज करते हैं खुदा के नाम से, तकरीब का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है उसके करम पर नाज करते हैं, और तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم। نعت عقیدت پیش کرنے کے لیے اور محبت کے پھول بکھیرنے کے لیے मैं आर्यान को दावा देती हूँ कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करें। पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। जज़ाकअल्लाह। मैं वेलकम करती हूँ तहे दिल से मैम तंजीला नियाज़ी का, कि वो अपने कीमती वक्त निकाल के हमारी सेरेमनी में आई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। काइंडली वीडियो अलाउ नहीं है प्लीज। जितनी भी लेडीज यहाँ पे आई हुई हैं अपने मोबाइल अपने पास रखें और वीडियोस नहीं बनाए प्लीज। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मैम। हमारा नियाज़ी आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस इवेंट में, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। Now I would like to call our chief guest Dr. Alia, please come up on the stage and distribute prizes among the students. Please come. One, please put your hands together for Ma'am Alia. The most helpful kid of the class.
The award for being most cheerful, happiest kid all the time goes to Aryan Khan. Aryan, please come. Clap for Aryan. The award for the most punctual student of the class goes to Adil Shahzad. Adil, please come. Please put your hands together. Next award for the most mannered student of the class goes to Zarfan. Please clap for him. The student who is most creative and always comes up with a great idea, this award goes to Amir Hassan Khan. Please clap for him. तालियों में कंजूसी मत कीजिए. Please clap for him. बोलते हैं कि अलाइड स्कूल की मियावाली में सिर्फ दो एक्चुअल ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वन इज द मेन सिटी कैंपस एंड सेकंड वन इज पीएफ कैंपस गौसे आजम रोड. नाउ इस पर रौनक तकरीब को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और स्टेज पर दावा देना चाहती हूँ बासित, जफलीशिया, मरियम, इंशा, अनाबिया, जैफा एंड सुभान को कि वो आए और अपनी क्यूट सी परफॉर्मेंस हमें दिखाए. सर रफी, प्रिंसिपल ऑफ अलाइड स्कूल पीएफ रोड कैंपस, आपका हम बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए. प्लीज क्लैप फॉर हिम. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल मैम राबिया नियाज़ी ने अलाइड स्कूल को उन बुलंदियों पर लेके जा रही हैं जबकि वो वक्त दूर नहीं कि आप सब की जुबान पर अलाइड स्कूल का नाम होगा. रिस्पेक्टेबल ऑडियंस, नाउ वी आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ सिक्स क्लास. फॉर दैट आई विल कॉल अप ऑन स्टेज अवर ऑनर्ड चीफ गेस्ट अमारा नियाज़ी. की प्लीज क्लैप फॉर हर. तालियों में कंजूसी मत कीजिए. प्लीज क्लैप फॉर हिम. पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शावली. आवर सेकंड पोजीशन गोज टू First position goes to Faisal. Please put your hands together for Faisal. Please clap for him. Our second position goes to Ali Hassan. Please clap for Ali Hassan. Clap for Ali Hassan, please. Congratulations. Second position goes to Sherdil. Please clap for Sherdil. We need your appreciation. Come on, please put your hands together for Sherdil. Okay.
Congratulations. Third position goes to Ahmed Raza. Please put your hands together for Ahmed Raza. Congratulations. The award goes to Absar Hassan Ali for being generous and kind. Please put your hand together for Absar Ali. Second award goes to Abdul Ahad for being cheerful, happy all the time. Please put your hands together for Abdul Ahad. The next award goes to Rahmatullah for being punctual. Please put your hands together for Rahmatullah. The next award goes to Muhid Zafar for his generosity and kindness. Please put your hands together for Muhid Zafar. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Amara Niazi. Kindly share your views with us. Kindly. Thank you. वेरी वेल डन आपके लिए, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद इतना अच्छा फंक्शन अरेंज करने के लिए। मियां वाली की फीमेल्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया है कि वो यहाँ आएं और अपना दिन अच्छे तरीके से गुजारें। जैसा कि अभी हम लोगों ने 8 मार्च गुजारा है, तो 8 मार्च जैसे कि फीमेल्स का दिन है, तो आज भी हमारा ही दिन है। तो आप लोग इसको भरपूर तरीके से गुजारें, भरपूर इंजॉय करें। बच्चों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं। और स्टाफ के लिए अभी राउंड ऑफ अप्लास। यकीनी बात है कि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके पीछे टीचर्स की मेहनत होती है, टीचर की लगन होती है, जिसकी वजह से बच्चा स्टेज पर आके अच्छा परफॉर्म करता है। और तमाम मेरी बहनें जो जहाँ आई हुई हैं वो सब भी, उनको भी वेलकम। और इसके अलावा आप सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करें, मियां वाली से मोहब्बत करें, क्योंकि मियां वाली हमारा अपना शहर है और हमने ही इसको अच्छा बनाना है, हमने ही इसको खूबसूरत बनाना है। और जैसे कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इंशाल्लाह हम लोग तमाम फीमेल जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी, और हम सब मिलके जो के होम घरों पे होती हैं लेकिन जो ज़्यादा काम कर रही होती हैं हमसे, तो हम सब ने मिलके ही अपने मियां वाली को, अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है और अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को कामयाब करना है, क्योंकि हम भी इमरान खान हैं और हम भी उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, पाकिस्तान, यस पाकिस्तान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इमान हसनी, रानिया एंड इशार। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम जमीला। मैम जमीला नियाज़ी प्लीज कम अप ऑन द स्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस अमंग द क्लास फिफ्थ। Congratulations.
प्रपोजिशन गोज टू अनाया आबिद. अनाया प्लीज कम. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनाया आबिद. Congratulations. Now we are going to present the awards. The award for being kind to other goes to Imane Malik. Imane, please come. Please clap for Imane. Put your hands together for Imane. Next award for having terrific smile and happy all the time goes to Ayan Khan. Please clap for Ayan. Please put your hands together for Ayan. The next award, the most honest student of the award, goes to Rania Sundas. Please put your hands together for Rania. Audience, you can be here. Please put your hands together for Rania. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी भरपूर तालियों की जरूरत है. Please. The next award for the most friendly and loving student of the class goes to Ishal Fatima. Ishal, please come. Please put your hands together for Ishal. Please put your hands together for Alia. Occasion. Whensoever I come and do attend events in schools, I remember the good old days, the beautiful, carefree, cheerful days of my own student days. School is the basic thing in the life of a child, along with his or her parents and siblings. And I am very much happy to see that Allied School, their administration, they have successfully arranged such a beautiful event for not only their own students but for their mothers to enjoy and attend. Especially in Miyawali, there are very less events and occasions specially arranged for our Parda observing ladies. It is a very good opportunity for them to attend not only Jashn-e-Bahara stalls and activities but the proud moments of their kids to receive shields, appreciation certificates and whatnot. For a mother as I am, it is the proudest moment to have his or her kid on the stage. These are the life memorable moments. For simple audience, it would be just a shield and a piece of paper handed over to a child. But for a mother, it is the completion and recognition of her sport which she has given her child at home. Because whatsoever are the achievements on the stage, they are actually combination of efforts of mother and teacher both. I would also like to thank and appreciate whole of the staff. They arranged very nice, beautiful, short events on the stage. It is very difficult to put kids on the stage and organize them and
because when there is a rehearsal, they are at their own school with their own classmates and teachers. But when they come on the stage, a lot of people are their audience. So it is very difficult to put them in an organized position and make them to complete their act and play. Especially for a very small preschooling and early school agers, it is very difficult to come on stage and perform. Hats off to their teachers who taught them and organized them. I am also, I appreciate the academics of the school. They have not only given souvenirs to the position holders on academic side, but they have also recognized the behavioral aspects of the kids, like cheerful kid of the year, honest kid of the year, punctual kid of the year. These show that school is not only for academics, but is also for the grooming of the child. At the end, I am very much thankful again for the staff, administration and principal to invite me over here to cherish my day and to be the part of this memorable day along with rest of you. So please put your hand together for yourself, because it's your day, it's our day. Thank you so much. Please put your hands together for her. Now I am requesting to our respectable guest Ghulam Sir Ghulam Rabbani to give up the awards to our students of level 3. Second position goes to Arsalan. Please put your hands together for Arsalan. Please put your hands together for Arsalan. Congratulations, Arsalan. Third position goes to Anzil. Please put your hands together for Anzil. Clap for Anzil. Congratulations, Anzil. Now we are presenting the awards. The award goes to Maheen Fatma for expressing forgiveness. Please put your hands together for Maheen Fatma. The next award goes to Hadia Noor for most responsible student. Please put your hands together for Hadia Noor. Welcome here, Sir
Nazmi Amir Khan is the CRO of Allied Schools. Please put your hands together for sir. And sir Atiqur Rahman, ICI officer and ID Allied School officer Sargoda. Please put your hands together for Atiqur, sir Atiqur Rahman. अब तकरीब को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने एक परफॉर्मेंस ला रहे हैं जिसको आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं डेफिनेटली। उसके लिए मैं बुलाना चाहती हूँ रहमत, मुहीद, आहद, अली हसन, शेरदिल, सारिम, अहमद और आयान को कि काइंडली वो स्टेज पर आए और तकरीब का मजा दुबाला करें। First position goes to Ayaz and Faiz, both are brothers. Please come on stage. Huge round of applause for both of them. Please put your hands together for Ayaz and Faiz. Second position goes to Maheen Fatima. Please put your hands together for Maheen Fatima. Congratulations. The most cooperative kid award goes to Rehan Khan. Please put your hands together for Rehan Khan. Please put your hands together for him. अलाइड स्कूल्स दोनों कैंपस के आप डायरेक्टर हैं और उन्हीं की वजह से आज ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं मुनक्किद किया गया है जश्न बहारा। हमारा न्याजी मैडम पीटीआई सदर वुमेन विंग मियांवाली डॉक्टर आलिया कैसर, राइटर, समाजी शख्सियत और मैम प्रिंसिपल राबिया, मैं आप सबका मशकूर हूँ मैनेजमेंट का कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जश्न बहारा के प्रोग्राम में दावत दी और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस किस्म की तकरीब जो है बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, मैं इस पर इंतज़ामिया को, मलिक अकरम साहब को और इसके बाद प्रिंसिपल को और स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फंक्शन मुनक्किद करने का मकसद एक तो तलबा ने जो पोजीशनें हासिल की हैं उनको अवार्ड इनामात तकसीम करने थे,
इसलिए मैं उन बच्चों को, उनके वालदैन को मुबारकबाद देता हूँ जिनके बच्चों ने स्कूल में अपनी अपनी क्लासों में पोजीशन हासिल की है। उन तमाम बच्चों को, उनके वालदैन को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने देखा कि हमारे बच्चों में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। हमारे यहाँ मियांवाली में बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से, इस किस्म के प्रोग्राम ना होने की वजह से वो दब कर रह जाते हैं और अपने आप को वो शो नहीं कर सकते हैं। और ये अलाइड स्कूल ने बेहतरीन काम किया है और बच्चों को ये मौका दिया है कि वो आकर यहाँ पर परफॉर्म करें। चंद एक बातें मियांवाली के बारे में मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि कुल पंजाब में मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में 3500 से लेकर 4000 तक डॉक्टर्स की सीटें हैं। पूरे पंजाब में डॉक्टर्स के लिए FSC करने के बाद जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो 3500 से लेकर 4000 के करीब डॉक्टर की सीटें मौजूद हैं। और पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 अजला हैं, तो हर एक के हिस्से में तकरीबन 100 के करीब डॉक्टर आते हैं। लेकिन अगर आप अपने मियांवाली को देखिए तो आपको महसूस होगा कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 बच्चे यहाँ से डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं और बाकी दाखिला नहीं ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में दाखिला नहीं दिलाते। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो और काम करने के काबिल हो। मैं वालदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम आप अलाइड स्कूल को देख रहे हैं, हमारे दो कैंपस हैं, एक ये अलाइड स्कूल ये मेन सिटी कैंपस है और एक PF कैंपस है। आप वहाँ पर आएँ, स्कूलों को देखें, इस परफॉर्मेंस को देखें कि क्या आपको इसके अलावा कोई ऐसा स्कूल नज़र आता है जहाँ इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हों। बिल्कुल नहीं। हमारी फीसेस भी सबसे कम है, सबसे कम फीसेस पर हम अपने इदारों को इस अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। इसी तरीक़े से और शोबाजात को देखिए, CSS सिविल सुपीरियर सर्विसेज में हमारे कितने बच्चे जो है यहाँ से हर साल निकलते हैं, मेरे ख्याल में एक भी नहीं निकलता। इसकी वजह यह है कि हम अपने बच्चों की सही गाइडलाइन नहीं करते। यहाँ टैलेंट मौजूद है, आपके मियांवाली में सबसे ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। यहाँ से कितने अजीम लोग निकले हैं, क्रिकेटर को देखिए, मिसबाल हक वो टीम के कैप्टन रहे हैं, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी को देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी शख्सियात हैं जो मियांवाली, जिन्होंने मियांवाली का नाम रोशन किया। और इस वक्त इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म, कुछ सोच सकता था कि मियांवाली से भी कोई वज़ीर आज़म आएगा, वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं। टैलेंट मौजूद है, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं आपको एक मुख्तसर सी बात सुनाता हूँ। मेरे करीबी एक रिलेटिव हैं, उनका वो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। उनकी कुर्बानी को देखिए कि यहाँ मियांवाली में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सरगोधा कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन उनके पास फीस की कमी थी, वो फीस अदा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनसे कहा आप अपने बच्चे को सरगोधा कॉलेज में दाखिल कराएं और अल्लाह ताला आपके साथ है, वसाइल भी बन जाते हैं। उन्होंने घर में अपनी फ्रिज बेच दी, अपना TV बेच दिया और बच्चे की पढ़ाई पर खर्च किया, और नतीजा ये निकला कि आज वो एटॉमिक में एक ऑफिसर बना हुआ है। आपने अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों देनी है,
अगर आप तालीम और तरबियत सही तरीके से देंगे तो आपके बच्चे आगे चले जाएंगे। जितने भी अजीम इंसान बने हैं, मैं उनके नाम आपको अगर गिनवाना शुरू तो सारे तरीक गिनवा सकूंगा, चंद एक नाम लेता हूँ। वो सब के सब गरीब फैमिली से आगे गए हैं। गरीब बच्चे जो है वही आगे जाते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल स्तारीदी ने एक नाम कमाया, मेहनत की, और वो कहाँ तक पहुँचे, एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। मलक मेराज खालिद जो है दूध बेचा करते थे और वो वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचे। आपने हिम्मत करनी है। मेरी तमाम वालदैन से ये गुजारिश है कि आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कराएं जहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जाती है। आप उनके साथ लिंक रखें। ये एक तकोन है, एक स्टूडेंट है, एक उनके वालदैन है और एक टीचर होता है। अगर ये तकोन मुकम्मल होगी तब ही जो है हम अपने बच्चे को कामयाब कर सकते हैं। तो अपने बच्चे के लिए स्कूल के टीचर से, स्कूल से रابطہ रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अपने बच्चों को आपने स्कूल में दाखिल करा दिया है और फिर पता ही नहीं किया कि वो क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो तमाम वालदैन से, ज़्यादातर माएँ मौजूद हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ उनका, और उनको यही मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे इदारों में तालीम हासिल कराएं, घर में भी अच्छी तरबियत करें और स्कूलों में भी। आपको याद होगा आरफा करीम, उन्होंने 9 साल की उम्र में आईटी का एक एग्ज़ाम होता है उन्होंने पास किया, जिसकी बिना पर जो है उसका नाम रोशन हुआ 9 साल की उम्र में पाकिस्तान की एक बेटी ने। तो आपने यहाँ देखा है छोटे छोटे बच्चे आकर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि यही हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सियासतदान बनेगा और इंशाल्लाह मियाँ वाली का नाम रोशन करेगा। हर किस्म का टैलेंट मियाँ वाली में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। And working online also, he is the is the biggest name of the Miawali. Please put your hands together for her. Please put your hands together for Ma'am Fidra Nasim. मत पर सबसे पहले मैं लाइट स्कूल के इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे खसूसी दावत दी और यहाँ बोलने का मौका दिया। देखें, तालीमी इदारे किसी भी कौम की जान हुआ करते हैं, किसी भी कौम की पहचान हुआ करते हैं। जो तालीमी इदारे जिंदा और मुतहर्रिक होते हैं, वो तालीमी इदारे वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं, और जो तालीमी इदारे बेजान होते हैं वो कौमें भी बेजान होती हैं। मैडम राबिया नियाज़ी बहुत काबिल और फर्शराज बासलाहियत खातून हैं, उन्होंने इस इदारे को संभाला है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये इदारा बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी परसों ही 8 मार्च गुजरी है, ख़वातीन का आलमी दिन। आप सब यहाँ पे हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ मौजूद हैं, उनको उनके हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी कि जब भी मैं आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से सोचती हूँ, मेरे जहन में एक एक करके न जाने कितनी लड़कियाँ आती हैं। वो लड़कियाँ जो बहुत एम्बिशियस थी, जो बहुत काबिल थी, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश की खातिर वो अपने कैरियर की कुर्बानी दे देती हैं। वो जो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर जॉब भी करती हैं और घर भी संभालती हैं। वो जो दिन भर की मसरूफियत से थक जाती हैं, लेकिन मियाँ की मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से देती हैं। सेहत जिस्मानी और जहनी कैसी भी हो, मेहमानदारी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, बच्चों की ड्यूटियां भी संभाल रही हैं और शोहर के काम भी कर रही हैं। वो जो घर चलाने के लिए घर घर जाकर सफाई कर रही हैं, वो जिसके हाथ में किताब है या हांडी रोटी कर रही है या गांव में उपले थापती है, बेटी, बहन, बीवी, सहेली, वर्किंग वुमेन,
हाउसवाइफ, माँ, आप सब हमारी हीरोज हैं, आप सब हमारा फखर हैं। कौन कहता है कि सिंफे नाजुक है हम, रेशम में लिपटा हुआ फौलाद है हम। इसके अलावा मैं बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम्स करवाती हूँ, गर्ल्स एंड बच्चों को। इस हवाले से यहाँ पे अक्सर माएँ मौजूद हैं, मैं उनके लिए कुछ अर्ज करना चाहूँगी, तीन चार छोटी सी बातें जो बच्चों की तरबियत के हवाले से आप अगर मद्देनजर रखेंगी तो इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। देखें, बच्चे जो होते हैं 4 से 12 साल की उम्र, ये बच्चों के सीखने की उम्र होती है। इसमें वालदैन बच्चों को जो सिखाते हैं बच्चे वही बनते हैं। सबसे पहली बात, आप अगर बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, मुआशरे के लिए मुफीद फर्द बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वालदैन को बच्चों के लिए मिसाल बनना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले तो सबसे पहले वालदैन को झूठ बोलने की आदत छोड़नी होगी। इसी तरह बच्चों की हौसला अफजाई की आदत अपनाएं। जब जब आप बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं, आप उनको आगे बढ़ने पर थपकी देते हैं, ये थपकी बच्चे को बहुत आगे लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज काबिले गौर है कि बच्चों की जो मस्बत हौसला अफजाई है वो जरूर करें, लेकिन मनफी हौसला अफजाई ना करें। यानी कि बच्चों में एक खूबी है ही नहीं और आप उनको उस हवाले से थपकी दे रहे हैं, आप उनको उस हवाले से आगे बढ़ने का कह रहे हैं, तो इस हवाले से बच्चों में खुद गुमाई की आदत आ जाती है। सो इस चीज से गुरेज करें। इसके अलावा बच्चों को मुश्किलात को मौके में बदलने का फन अदा करें। बच्चों को जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, चाहे वो खेल के दौरान है चाहे वो पढ़ाई के दौरान है, आप उनको ये सिखाएं कि बेटा आपने खुद इस मुश्किल को सॉल्व करना है, आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है और आपने खुद ही इसको हैंडल करना है। इसके अलावा बच्चों को टीम मेंबर बनना सिखाएं। बच्चों के अंदर बांटने की आदत डालें। जब भी आपका बच्चा किसी गेम में विन करके आता है उसको ये मत बोले कि बेटा आपने ये कर दिखाया, उसको बोले कि बेटा आपकी टीम आपके साथ थी इसी वजह से ये मुमकिन हुआ। इसके अलावा बच्चों को दुरुस्त रवैया अपनाने की आदत उनको सिखाएं कि जब भी आपका बच्चा गलत बिहेव करता है आप उसको ये सिखाएं कि बेटा आप गलत नहीं हो, आपने जो रवैया अख्तियार किया है वो गलत है, आप अपने इस रवैये को दुरुस्त कर लें तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। आप सबका मजीद वक्त नहीं लूंगी, आए मिलकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं, उन्हें बोलना सिखाते हैं, उन्हें बेखौफ होना सिखाते हैं, उन्हें आसमान की वसतों में अपनी मंजिल देखना सिखाते हैं, जिंदगी को जीने का एक नया ढंग सिखाते हैं और सबसे बढ़कर उन्हें एक बेहतरीन शख्सियत बनना सिखाते हैं। कि यही हमारे नन्हे सितारे हैं कि जिन्हें कल को आसमाने इल्म को दरक्षंदा बनाना है और अपनी जगमगाती रोशनियों से उसे मुनव्वर करना है इंशाअल्लाह। इसके अलावा बच्चों के हवाले से आप किसी भी किस्म के सवालात करने के लिए या मुझसे रहनुमाई लेने के लिए फेसबुक पर मुझे सर्च कर सकते हैं सिदरा नसीम के नाम से, मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम टू आवर दिस इवेंट एंड मेक इट सो ब्यूटीफुल, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बोथ ऑफ देम। नाउ we are inviting our respectable guest Ma'am Tanzila to present the awards to our students of level 1. Please put your hands together for Ma'am Tanzila. Please put your hands together for Shiman Ali. Congratulations. So second position goes to Adris Khan. Please put your hands together for Adris Khan. Clap for Adris. Third position goes to Ahmed Shahzain Khan. हम डॉक्टर गुलजार अहमद को वेलकम करते हैं हमारी इवेंट में। वेलकम सर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। Look in the camera.
The next award goes to most cooperative kids, Mudassir Iqbal. One class, please come up on stage, all of you. Everyone, please come one by one. The award for most gendered kid goes to Varisha Kainat. Akidat Fatima, Varisha Kainat, Aruj Fatima, Fiza, Maryam, Talha Akmal, Shadil Rehman, Nofil, and today. Please put your hands together for our child. Please put your hands together for Varisha. Please put your hands together for Fiza. Please put your hands together for Aruj. Clap for Maryam. Clap for Sudesh. Very good. Congratulations. Clap for Shazir Rahman. Thank you so much, ma'am. I'm pretty sure a lot of people know me, but if not, I'm from Zila Niazi, and this place is my favorite place, and you guys have arranged it really nicely, very good, I really liked it, and all the performances are really good, the staff, principal, all the students, and parents, and of course all the kids, you all are working really hard, and I really like it. And I do appreciate everything you guys did. Good job. And thank you for having me. Thank you. Please put your hands together for Dr. Amna. गिर गया रावीन हैदर मोहम्मद सुभान इंशा फातिमा तलहा आजम अब्दुल हादी आदिल जमाल जाहिला नियाजी जफलिशिया प्रिहान हुजैफा Anabia and Iraj, please put your hands together for all of our students. Please clap for our students. These are the most brilliant students.
बेटा सामने देखो, सारे सामने देखो, सारे फिर टीवी पर भी देखना आज शाम को, देखोगे ना टीवी पर। छोटी छोटी ग्रह है, बहुत अच्छा इवेंट अरेंज किया गया है। बच्चों की एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इतनी कलरफुल और इतनी खूबसूरती से अरेंज की गई है, और स्पेशली मियांवाली में जो खवातीन के लिए मेला लगाया गया है, मेरे ख्याल में ये पहली दफा ऐसा हो रहा है। और जैसा कि हमारी पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस पेंडेमिक और लॉकडाउन से गुजरी है, उसके बाद इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना हमारे बच्चों और खवातीन की मेंटल और सोशल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था। थैंक यू लाइफ स्कूल। और मैं अपना बेटा भी लाइट स्कूल में पढ़ता है, आई एम ऑल्सो अ प्राउड मदर। मेरे बच्चे ने 100% मार्क्स स्कोर किए हैं, और इसमें जो कामयाबी का सेहरा है उसके पीछे की तरफ भी जाता है। थैंक यू टीचर अक्सा। और मैं उन सब माओं को आखिर में मुबारकबाद पेश करूंगी जिनके बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, और जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड बहुत अच्छे पोजीशन ले चुके हैं। इसी तरह आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। नर्सरी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। वाइल अहमद, नोमान शहजाद, दुआ फातिमा, सुहाना ईमान, कुदरतुल्लाह, गुलाम मुर्तजा खान, मिराज गुर, अरहान वकास, मुबशर इब्राहिम, मोहम्मद बाकिर एंड शाजिर खान, प्लीज क्लैप फॉर आवर स्टूडेंट्स। अरसा खान, अब्दुल रफे खान, महानूर, जुनैशा सलीम, तैयब बिलाल, मोहम्मद उमर इरफान, मोहम्मद अहमद, जोहा जवरिश, अबू बकर, इनामुल्ला, मोहम्मद दाइम एंड शयान, प्लीज क्लैप फॉर आवर स्टूडेंट्स। आप लोग साइड पे हो जाएं। हम वेलकम करते हैं गुल शेर खान नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस तकरीब में तशरीफ लाए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सर। परेशान थी असां तैयब
मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन जहाँ मेरे टीचर मोहतरम रफ़ी साहब बड़े मुकम्मल अंदाज से गुफ्तगू फरमा गए हैं, तो अब मेरा यहाँ पे तकरीर करना ऐसे ही है जैसे चराग सूरज को चराग दिखाना हो, क्योंकि आज मैं अगर इस स्टेज पे हूँ जहाँ मेरी रिस्पेक्ट है, या मेरे अंदर लिखने की ताकत है, बोलने की ताकत है, तो वो मेरे इन टीचर की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत लोग हैं, वो माएँ हैं, वो वालदैन हैं, जो जहाँ आज अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं और अपनी आंखों से अपने बच्चों के मुख्तलिफ यहाँ पे जो उन्होंने पाके पेश किए वो देखे, तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो मलिक मोहम्मद अकरम साहब डायरेक्टर अलाइड स्कूल और मैम राबिया न्याजी को है, और उनके साथ जो उनकी कोलीग्स टीचर हैं उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत का समर आज है। और फिर ये जिस जगह पे ये इन्होंने फंक्शन मुनक्कद कराए हैं, यहाँ गंदगी के ढेर हुआ करते थे, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट को कि जिन्होंने यहाँ मेला मंडी को बाहर निकाल के यहाँ पे एक मियांवाली के शहर मियांवाली शहर का दिल जो है यहाँ पे एक अच्छा पार्क दिया, और बिलखसूस खवातीन जो हमारी 50% से ज़्यादा हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए इनका पार्क का नाम भी सिटी फैमिली पार्क रखा। मैं पंजाब गवर्नमेंट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और साथ ही यहाँ पे मौजूद जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो तशरीफ लाए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अलाइड स्कूल, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन मैंने अलाइड स्कूल का इंतखाब क्यों किया, मैंने अपनी पूरी सर्विस के अंदर हर जगह हर इलाके में मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया है, देखे हैं, लेकिन जो अलाइड स्कूल मियांवाली के अंदर मैंने डिसिप्लिन और उनकी एजुकेशन और जिस तरीके से इनके टीचर्स हेड और प्रिंसिपल साहबा ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अलाइड स्कूल जैसा और नहीं देखा। और मैं आज खुश हूँ कि मेरा यहाँ पे 3 बच्चे स्कूल के अंदर हैं और 64 दिन हुए हैं स्कूल के अंदर उनको एडमिशन को, और मेरे बेटे ने 64 दिनों में इतनी अचीवमेंट इन टीचर की मेहरबानी से ली कि वो आज सेकंड पोजीशन पे था, 64 दिन हुए हैं उसमें स्कूल के अंदर लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे है। तो ये टीचर और प्रिंसिपल मैम राबिया न्याजी की मेहनत थी, मलिक मोहम्मद अकरम साहब की शफकत थी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ टीचर्स को, हेड को और तमाम इंतज़ामियों को। और इस शेर के साथ कि अल्लाह पाक ने जो टीचर को इज्जत दी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है लौह कलम तेरे हैं, तो लौह कलम के बारे से ये लोग टीचर्स, मैं सलाम पेश करता हूँ। और बार बार अपने इस इलाके के जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पे मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अलाइड स्कूल आपके मियांवाली शहर के लिए बहुत बड़ी नेमत है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार बार विजिट करें, देखें जिस अच्छे अंदाज से अलाइड स्कूल में तालीम बच्चों को दी जा रही है। उम्मीद करता हूं कि यहां पे जिस तरीके से उन्होंने आज प्रोग्राम अरेंज किया है, हमारे कभी भी ऐसे प्रोग्राम सरकारी स्कूलों के अंदर और अपनी
जहाँ हम पढ़ के आए हैं, कोई ऐसी अरेंजमेंट मैंने नहीं देखी जिस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ये प्रोग्राम पेश किया। और आखिर में जहाँ मैडम हमारा न्याजी साहब आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मियांवाली में खवातीन के लिए जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया। बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए सिटी पार्क में कल्चरल मेला ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम अपनी बोरिंग लाइफ से हटकर कुछ रिफ्रेशिंग एक्टिविटी एंजॉय कर सकें। मैं वेलकम करती हूँ मियांवाली के सहाफी हजरात मलिक गुलाम हुसैन पीटीवी न्यूज, मोहम्मद इकबाल 92 न्यूज, कलीम खान सदर प्रेस क्लब, कुलशेर खान आवाज मियांवाली। We are honored to welcome them. Please give them a big round of applause. Please put your hands together. Now we are requesting Sir Sayyed Ahmeddin. Now we are requesting Ma'am Zena, please come up on stage and deliver the prizes to nursery class. Please appreciate our students. Please clap. Put your hands together for our students. Audience, आपके भरपूर तालियों की जरूरत है. Please put your hands together for our students. लाइट स्कूल टॉप स्कूल्स में से एक है जिसने आप सबके इंटरटेनमेंट का इतना ख्याल रखा और मियांवाली में फर्स्ट टाइम कल्चरल मेला ऑर्गेनाइज किया, तो अप्रिसिएशन तो बनती है। ऑडियंस, आपकी भरपूर तालियों की जरूरत है। दो पीछे भी हैं बच्चे। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज शेयर योर रिमार्क। जबरदस्त चलिए
A big hand for her. आपने अपने टीम के इतने वक्त में से इतना टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कि मैं उसकी किसी तकरीब में शिरकत करूं, तो मैं बड़ा खुश हूं. मेरे अपने तीन बच्चे हैं, तो मैं भी देख रहा था कि एलियन स्कूल में पढ़ते हैं कि कोई और स्कूल हो जिसमें दाखिल कराया जाए. तीसरी तक उधर पढ़े हैं, तो चले मेरे लिए भी एक मिसाल आगे आ गई है. शाह जी बैठे हैं, अहमदीन शाह साहब खुद एजुकेशन से मुंसलिक हैं. अगर उनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपका सिस्टम बहुत अच्छा होगा मियांवाली में. तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक एक्सपीरियंस किया जाए बच्चों की तालीम के सिलसिला में. तो ये सारा प्रोग्राम जो है बच्चों की जो है इनकी जो एजाज की तकसीम के सिलसिला में भी हैं, लेकिन साथ एक जश्न बहारा का भी है. तो बहार एक मौसम है जो इंसान के रूह को मुअत्तर कर देता है. इसकी जो निशानियां हैं फूल खुशबू, इंसान को जो बनाया गया उसमें तीन चीज़ें हैं, उसका जिस्म है, रूह है और नफ्स है. तो जो रूह है उसके खुशी के लिए या उसको मुअत्तर करने के लिए ये अल्लाह जल ने मेरे ख्याल में खजान अपनी सॉरी बहार का जो मौसम बनाया है कि इंसान की जो रूहानी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो एक खुशगवार माहौल में जिए. जैसा कि जन्नत का कॉन्सेप्ट है कि जन्नत में भी तो यही है, जन्नत एक बाग है और उसमें मुख्तलिफ फल फूल हैं, और सारा ये वाला जो बहार का माहौल है वो हमको एक जन्नत की याद दिलाने के लिए जो है तो वो अल्लाह जल ने भेजा है, ताकि हमको एक इंस्पिरेशन मिले कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें. तो हमें इससे बहुत उम्दा भाव और सारी उम्र रहने वाला जो है मौसम बहार वो बदले में मिलेगा. तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ताकि हमको हमेशा जो है रहने वाला मौसम बहार और ये जो भाव खुशबू और ये मुअत्तरपन और इस तरह का एनवायरनमेंट हमें अपनी अगली ज़िंदगी के लिए जो कि ना ख़त्म होने वाली है उसके लिए मिल सके. अस्सलामु अलैकुम टू आल. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बोथ ऑफ देम. गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. प्लीज क्लैप फॉर देम. Please put your hands together for her.
Now I would like to call Larem Niazi. में जितने शुरका बैठे हुए हैं खवातीन व हजरात तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खुशी हुई इतना खूबसूरत प्रोग्राम खूबसूरत तरीन जगह पर और खूबसूरत तरीन ऑर्गेनाइज करने पर। यकीनन इलाइट स्कूल की पूरी इंतज़ामिया तमाम टीचर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस तसलसल को आप जारी रखेंगे और इसी तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो तो दे ही रहे हैं लेकिन साथ साथ बच्चों की जो तालीम और तरबियत है इसके लिए आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल मैडम राबिया नियाज़ी और उनकी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये आज का जो जश्न बहारा का एक इवेंट किया और बच्चों की हौसला अफजाई की है, उनको इनामात दिए हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और जिन जिन बच्चों ने आज इनामात हासिल किए हैं उनकी पेरेंट्स को उनकी माओं को मैं बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। और ये है कि यहाँ पे मतलब आज बहुत अच्छा इवेंट देखने को मिला है। हम तो मीडिया की फील्ड से हम यही कह सकते हैं कि एजुकेशन की फील्ड से है लेकिन आज जो हमने इनके इस प्रोग्राम में देखा इसमें बहुत अच्छी मेहनत हुई है, टीचर की खसूसी मेहनत हुई है और टीचर के हवाले से जो मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्रा जो इनकी मेहनत हुई है। और सबको आज इवेंट्स में अवार्ड मिले हैं। इस इवेंट पे जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल की है मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टिल कट गए क्लास और भाई ठीक मिल इधर हो जाओ ना बैठो सामने वाला आ जाओ। मेडल नहीं है सर, मेडल वो लेके दे रहे हैं किसी का डाल दे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे लाइट स्कूल का जो मियाँ वाली कैंपस का है मेन कैंपस सिटी कैंपस उसका आज इन्होंने जश्न बहार का इंतज़ाम किया हुआ है जहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं और बच्चों के हवाले से जो यहाँ पे तकरीबात मुनक़द की गई हैं उसमें प्लेस ड्रामेस और मतलब जो बच्चों की और एक्टिविटीज़ और जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल किया उनको इनामात भी दिए गए हैं। बाकी हम पूछते हैं यहाँ के प्रिंसिपल।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया नियाज़ी है। मैं अलाइड स्कूल मेन सिटी पीपल की प्रिंसिपल हूँ। मैंने रिसेंटली अभी अलाइड स्कूल ज्वाइन की है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल को ज्वाइन करके। बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस आए हैं, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, बाकी स्टाफ में इम्प्रूवमेंट है। माशाल्लाह हमने बहुत अच्छी गैदरिंग की है सिटी मियाँ वाली सिटी पार्क में, तो ख़वातीन के लिए हमने जश्न बहारा के इंतज़ाम की है, ये आप खुद वीडियोस में देख लेंगे। और इस अच्छा जो आज यहाँ पे बच्चे आए हैं, फैमिलीज आई हैं उनकी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, आपको क्या सी गैदरिंग मिली है? माशाल्लाह गैदरिंग हमारे पास बहुत अच्छी हुई है, मैक्सिमम 500 टू 700 के दरमियान हमारे पास स्ट्रेंथ आई है। इसके अलावा जिन बच्चों ने परफॉर्म किए हैं, उन बच्चों की मदर्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया। अपनी टीचर्स का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया कि हमने इस फंक्शन को इतना सक्सेसफुल बनाया है मियाँ वाली के इस एरिए में। तो मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि अपने पूरे स्टाफ का, अपने मियाँ वाली की आवाम का, कि उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने में। थैंक यू जी। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं पीटीए की मैडम तंजीला नियाज़ी, हम उनसे पूछते हैं वो क्या कहती हैं आज के उसके बारे में। जी मैम अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था अलाइड स्कूल वालों ने यहाँ सिटी पार्क में, बेहतरीन इंतज़ाम। जितने भी पेरेंट्स आए हैं, बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया है, और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने बहुत ही अच्छा पर्दे का इंतज़ाम किया हुआ था ख़वातीन के लिए, सब बहुत ही कंफर्टेबल थी, सब ने बहुत इंजॉय किया। और आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए औरतों के लिए, बच्चों के लिए। जी आज जो बच्चों ने यहाँ प्लेस वगैरह और इन चीज़ों में एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, वो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू जी। थैंक यू। खुद बताओ आज हमारे मियाँ वाली में जो ये इवेंट हुआ है, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए था। ऐसे बहुत से कम मतलब होते हैं हमारे मियाँ वाली में प्रोग्राम, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। पर्दे का भरपूर इंतज़ाम था, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए हमारे मियाँ वाली में, स्पेशली हमारी लेडीज़ के लिए। ये बहुत अच्छा स्टेप था अलाइड स्कूल मेन सिटी कैंपस की तरफ से। अप्रिशिएट करती हूँ सारे स्टाफ को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर रही। और ये जो स्टॉल लगाए हैं, स्टॉल्स हैं यहाँ पे, खाने के डिफरेंट स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी के हैं, कपड़ों के हैं, आइसक्रीम बॉटल, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट। और ये जो इवेंट था, ये जश्न बहारा के हवाले से, जश्न बहारा भी था हमारा, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन भी था, वो भी हुआ है, मतलब दोनों चीज़ें हमारे पास। चलें ठीक है। मैं आज अलाइड स्कूल मियाँ वाली की तरफ से सब अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साफ़ी हजरात, उसके अलावा पेरेंट्स हमारे स्कूल के, उसके अलावा इस एरिए की आवाम नियर सिटी पार्क, मैं सबका बहुत मशकूर हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारे फंक्शन को चार चांद लगाए, और हमारे साथ जो है ना मुकम्मल ताउन किया है सब लोगों ने, और इतना अच्छा फंक्शन हमारा हुआ है। तो उसके लिए मैं तमाम पेरेंट्स का, तमाम मदर्स का, तमाम अपनी बहनों का, तमाम बच्चियों का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। मैं डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली की इंतज़ामिया जनाब मोहतरम DC साहब, जनाब मोहतरम DPO साहब और उनकी तमाम टीम का मशकूर हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट का स्टाफ जिन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तावन किया, और हमें जो है ना यहाँ पे ख़वातीन कल्चर मेला प्लस एनुअल फंक्शन करवाने का हमें मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतना अच्छा इवेंट करने के लिए हमें जो है ना उन्होंने स्पेस दी, बहुत शुक्रिया सर जी। आज का जो इवेंट्स अलाइड स्कूल ने यहाँ मुनक़द किया है, बहुत अच्छा है, और हम मशकूर हैं इनके कि इन्होंने ख़वातीन को मौका दिया यहाँ पर, और बच्चों को मौका दिया। तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, और जो पार्क बना है पंजाब गवर्नमेंट ने ये बनाया है, उन पंजाब गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हैं, ज़िले ही इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक इतना अच्छा माहौल दिया इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए, बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए। और मैं अलाइड स्कूल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर इवेंट्स करा के लोगों को और ख़ासकर ख़वातीन को मौका फराहम किया तफरी का। शुक्रिया। नहीं तुसा आज आले फंक्शन अटेंड कीता है? अच्छा बड़ा आया किन्हें कैसे कैसे आए बच्चे?
दसो ना पुत्र किस किस है जी। अच्छा खैर वो देखो बच्चे इनाम और केरी केरी क्लास केरी क्लास पढ़ते हो? नर्सरी। अच्छा पास ही गया हो? हाँ। अच्छे नंबर आज तू आज वाले फंक्शन अटेंड किया है तुहानू के लगे चंगा लगे? हाँ। मजा आया ने? हाँ। अच्छा ने आप कौन सी क्लास में हो? वन क्लास। अच्छा आज का फंक्शन कैसा रहा है आपका? आज आप क्या कहना चाहोगे किसी को पैगाम? टीचरें आपकी कैसी हैं? टीचरें अच्छा पढ़ाती हैं? अच्छा स्कूल का नाम? स्कूल का नाम क्या है आपका? अच्छा गुड हो गया जी। बेटा आप बताएं स्कूल का नाम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? वन क्लास में। अच्छा और पास हो गया हो? आज का जो फंक्शन हुआ है जश्न बहारा का तो इसके हवाले से क्या? आप जाएं मजा आया आपको बेटा? एंजॉय किया आपने बहुत ज्यादा? आपको टीचरें अच्छा पढ़ाती हैं? कोई मसला टीचरों के हवाले से? स्कूल अच्छे लगे आपको? आपने ये फंक्शन अटेंड किया आपको कैसा लगे बेटा? अच्छा लगे। अच्छा जहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह थी वो अच्छी हैं? अच्छी हैं। चलो आप किस स्कूल से हो भाई? अलाइड स्कूल मेन सिटी कैंपस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? लेवल 7। लेवल 7 में आज आप भी पास हुए हो इस दफा? यस सर। अच्छा आप क्या ये आज वाला फंक्शन है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज वाला फंक्शन बहुत अच्छा हुआ और हमारी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हो गए हैं। अच्छा जी तो नहीं आज इधर स्कूल की पढ़ाई के हवाले से अच्छी पढ़ाई है? जी सर बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक हो गया जी। बेटा आप कौन सी क्लास में? मैं लेवल 6 में हूँ। स्कूल का नाम क्या है आपका बेटा? लाइट स्कूल मेन सिटी कैंपस में। अच्छा आप भी पास हो गए हैं? यस। तो आज जो ये आप ये स्कूल वालों ने आपके लिए इतना बड़ा वो प्रोग्राम किया है वो कैसा लगे आपको? बहुत ही अच्छा लगा। ठीक हो गया। आज क्या मैं बहुत आई हूँ, बहुत फन आया एलाइट स्कूल में, प्लीज आप एडमिशन लें। अच्छा और उसके बाद आप ये क्या कहते हैं आज का जो फंक्शन हुआ कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। आप पेपरों में पास हो गई हैं? आपका स्कूल का नाम क्या है? एलाइट। ठीक है और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 में थी, अब 4 में। अच्छा 4 में हो गई है। चले और बाकी इधर आज आपको जो ये टीचरें सही पढ़ा रही हैं आपको जहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। चले। हाँ जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज इलाइट स्कूल का फंक्शन देखने आया हूँ और मैं यहाँ पर एंजॉय करने आया हूँ। मेरा स्कूल का नाम गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बतखान मेवाड़ी। अच्छा कैसा आज आप एलिमेंट्री स्कूल से यहाँ पे आए हैं? आपने आज वाला प्रोग्राम देखा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरा तो बताना था अभी खत्म भी रहा। साइकिल खले यार चरखनी की वजह मैडम गुडे चाहने चरखनी की जी जी बेटा किन्ने उम्र है? उम्र होने बाद तेरा बुआ दे गया आई उतरा इधर आ जा तू भी इधर आ ये भाजी तिक्के हैं, लेग पीस है चेस्ट पीस है। तिक्का 70 रुपए दे, लेग पीस 150 रुपए देना और 220 रुपए देना। नहीं समोसे पकौड़ा आता है, हर कौन आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक फास्ट फूड की तरफ से हामिद महमूद। आज मुझे इलाइट स्कूल की तरफ से इस मेला में जश्न बहारा में मौका मिला है कि अपना मैं स्टॉल लगाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अल्लाह ताला हमारे इस मियाँ वाली को और तरक्की अता करे और आप यूनिक फास्ट फूड को हमेशा याद रखिएगा इंशाल्लाह। जो चीज़ भी आज आपकी कैसी सेल रही है यहाँ पे, लोग जो आए हुए हैं जश्न बहारा में, इतने लोग आए हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा काम था, अल्लाह के करम से बहुत अच्छा काम था और हमने उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, उन्होंने हमको अच्छा जो है ना सराहा है। अच्छा हमने वो थोड़ा रखो
बस ठीक है तो बनाओ नेक्स्ट टाइम खुली हमें मौका शादी के बाद भी बेहतरीन होते हैं जो चीज हम एक्सेप्ट करेंगे एक नंबर मेरा जो है शॉप का नाम मैस कलेक्शन है तो इसमें होम सरीज हैं किचन यानी कि घरेलू अशिया है इसमें तो इसमें टेबल्स मैट आ गए डाइनिंग मैट आ गए फुट मैट आ गए और ये एप्रन वगैरह आ गए ये चीज़ें ज़रूरत की घर की हैं तो इसलिए घर में मैंने अपनी बनाई हुई है शॉप ये आपका घर किस एरिया में है मुजाहिद टाउन में मेरा घर अच्छा मुजाहिद टाउन में आपका घर है और ये कितना अर्सा हो गया आपको ये काम ये तकरीबन मुझे साल हुआ है लेकिन ना ये अब मेरा यानी कि ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है और बाकी आपने जो इवेंट से जो लोग यहाँ पे आए हुए थे उस हवाले से आप क्या कहेंगे कोई हाँ जी हमें अच्छा लगे हाँ जी अच्छा लगे फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइम हुआ है तो हमें तो हम ये चाहते हैं कि ये अंदर फिर लगे ताकि यानी हमें निकलने का मौका मिले जी हाँ जी तो आप ये चाहती हैं कि ये इस तरह के इवेंट होने चाहिए हाँ जी होने चाहिए ये और अलाइट वालों का शुक्रिया जो उन्होंने हमें यहाँ दिया है यानी कि फ्रेंचाइज मौका दिया है और जगह दी है उन्होंने हमें तो हम यहाँ बखूबी कर सकते हैं ये आप सामान बाहर से परचेज करते हैं हाँ जी बाहर से करते हैं ये मेरी सिस्टर हैं ये होलसेल का काम करती हैं अच्छा ये भी होलसेल हाँ जी ये होलसेल का काम करती हैं ये हमें सामान भेजती हैं और हम आगे सेल लाजा मुंह दुला जा तू केरा मुंह दगी थी कल है पता तो लगे भाई दुकानदार कौन है आज आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है ये जश्न बारह का फंक्शन है इलाही स्कूल की तरफ से उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ठीक है और इस तरह के मतलब होने चाहिए इवेंट होने चाहिए इसमें हमें रोज़गार भी मिला है और जो जितना भी यहाँ का अमला है उसने तावन भी बहुत अच्छा किया है ज़बरदस्त इवेंट है और हम चाहते हैं इस तरह इवेंट होने चाहिए हुकूमती लेवल पे होने चाहिए आपकी सेल कैसी रही है माशाल्लाह ज़बरदस्त सेल है मैं अपनी शॉप बंद करके यहाँ आया हूँ मेरा स्टाफ भी यहाँ पे आया है ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह सबका खर्चा पानी अच्छा निकल आया है ठीक है ज़बरदस्त सेल हुई है कुत्ते के बाल नु बला के डराया हुई आ जा बाल नु बला के डरा खैर है फिर गए ये आज ये फंक्शन थे ते जश्न बहार आला जी हां ये दे हवाले नाल बच्चे आए द्वारे को तो के रखे आज ये फंक्शन दे हवाले बहुत खुश थे बच्चे जी ते घोड़े दी सवारी तो बहुत खुश थी ने जी ते अल्लाह दे हुक्म नाल इना ने होना चाहिए पार्क च होना चाहिए दिथे भी होना चाहिए फंक्शन होना चाहिए जरूर होना चाहिए जी ते मैं इंशाल्लाह जेरे स्कूल होने उन्होंने दे फंक्शन दे घोड़ा छोड़ा गिनवे ना अच्छा जी अल्लाह दे हुक्म नाल जी हां घर तक है बच ये बजाने सजाने ये जी ने दा बादियां ते भाई देन अच्छा ते ये तुम्हारे अपने नहीं मेरे नहीं मैं आना दे अच्छा मियां साहब चलो भला थी उन्होंने दे मेनू डे छोड़े ने चलो जी हां हर फंक्शन वास्ते मैं लोड पोंदे मैं डे छोड़े ने ठीक हो गया लेकिन आ भाई देने दा बाद ही करे ने आ मियां साहब आने से दा बाद ही करे ने बिल्कुल ये तुसा इनु जिथे मतलब ए भी तो एक कार खैर है ना कि दाई तो बच्चा वास्ते घेनवे दे उस जी हां घेनवे ने तो अच्छी गल है कि जी हां बहुत अच्छी गल है जी बहुत बंदे में ना देन शादियां होती होवन जी फंक्शन होवन मैं घेनवे ना लदे को ठीक हो जी हां इन पंगूड़ा था देने आना जी हां बिल्कुल झूला था देने अच्छा ये जेरा पुराने दौर दा पंगूड़ा सा तू लाया होया है जी आज ये फंक्शन थे जश्न बहार वाला बस पहले तेरे सो के फंक्शन किने रे
फंक्शन भी माशाल्लाह अच्छा रहा है। पुरानी याद गिनाया, पुरानी चीज़ा गिनाया, पुराने वक्त अपनी याद बना जी, जिस बड़ा मज़ा और बड़ा सुकून, बड़ी मोहब्बत मिली है ना बच्चे चो, तो बड़ा प्यार मिले बच्चा आज बूढ़े तो बड़ा फंक्शन बड़ा जोर जोर नाल आए बच्चे, बड़ी शौक और दिलचस्पी नाल जुड़े कर ठीक हो गुड हो गया। तू सही दे आवा, तू ही दे आवा, तू ही दे आवा। ये जो आपने स्टॉल लगाया जश्न बारह का इवेंट हो रहा है, आपने अच्छा बोल रहा है, ठीक है जो आपका माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम था। नहीं आज ये जो यहाँ पे जश्न बारह के लाइट स्कूल वालों ने जो प्रोग्राम करवाया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कैसा रहा है ये? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है ये इनका, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है सब कुछ, माशाल्लाह लोग भी काफ़ी आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी ठीक है। इधर हमारा स्टॉल लगा है, इस पर सेल भी काफ़ी हो गई है हमारी। और आप क्या कहते हैं, इस तरह के इवेंट होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए इस तरह के इवेंट, हर माह लाजमी है क्योंकि लोगों को तफरी का मौका मिलता है। जी बिल्कुल साइड 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 पे आ जाओ, साइड पे साइड। जी सर हमारे बर्गर बहुत अच्छे रहे हैं, आवाम ने दिल खोल कर खाए हैं और खुशनुदी से खाए हैं। नहीं आज आज आपके पास जो ये जो फंक्शन करवाया है लाइट से पूर्व जश्न बारह का, आप क्या कहते हैं कि इस हवाले से? सर इस तरह के प्रोग्राम तो होने चाहिए, जो हम गरीब आदमियों की भी रोजी बनती है, इंजॉय का भी मौका मिलता है, कुछ आदमियों को अपना रिलीफ मिलता है, बच्चे भी आ जाते हैं, कोई खेल कूद भी होता है, कोई हमारा रिजल्ट भी बन जाता है, निज़ाम अच्छा रहता है। आज आपकी सेल वगैरह ठीक हुई है? शुक्र है अल्लाह का, जो निज़ाम है वो अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा। आप भी इधर आ जाए, इधर आ जाए, चलो थोड़े थोड़े झूले दें इनको, बस थोड़े झूले दें, आप ले लें बेटा, लें आप खुद भी ले सकते हैं माशाल्लाह। आप सीधे हो गए बैठ जाए, मास्क लगाए ठीक है।